रिपीटेशन एसेंशियल्स। हम क्यों चाहते हैं कि एक प्रोग्राम है वो पुनरावृत्ति को काम में लेते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यदि हम पुनरावृत्ति को काम में नहीं लेते हैं, कोई प्रोग्राम सिंपली लिखी हुई कैलकुलेशन को करता है तो उसकी स्पीड एक कैलकुलेटर से कम होगी। मतलब हम कैलकुलेटर में सीधा अपनी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ एक प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेटर से वही कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी लंबी कैलकुलेशंस कंप्यूटर इजीली कर दे। तो जिन कैलकुलेशंस में पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो कंप्यूटर को एक बार बता दिया जाएगा और वो लूप लगा के उनको सबको एक बार में ही कैलकुलेट कर लेगा। ये प्रोग्रामिंग का सबसे इजीएस्ट और सबसे पहला कदम होता है जो हमें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए उत्साहित करता है। हम प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला नियम यही है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें पहाड़ा लिखना है, 5 का पहाड़ा लिखना है, 10 का पहाड़ा लिखना है, या किसी भी नंबर का पहाड़ा लिखना है, टेबल लिखनी है, वी वॉन्ट टू राइट ए टेबल ऑफ एन नंबर। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक रिपीटेशन होता है, वो एक नंबर है उसको दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रिंट करते जाते हैं, या उसी नंबर को उसमें ऐड करते हुए प्रिंट करते जाते हैं। तो इसके लिए एक यहाँ प्रोग्राम लिखा है, जिस प्रोग्राम में एक व्हाइल स्टेटमेंट है जो आई पर उसमें कंडीशन लगाई है, आई को पहले इनिशियलाइज कर दिया और आई की वैल्यू 10 तक जाएगी, 10 तक जाएगी, जब आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी, 10 से ऊपर हो जाएगी, ये रिपीटेशन बंद हो जाएगा। इस तरह की हमने रिक्वायरमेंट रखी है। तो इस तरह के कोई भी जो प्रोग्राम है, अधिकतर प्रोग्राम रिपीटेशन के साथ ही बनाए जाते हैं। इसी रिपीटेशन की प्रोसेस को हम लूपिंग कहते हैं। मतलब एक ही जगह ये लूप बन रहा है, एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लूपिंग कहते हैं। तो हम रिपीटेशन भी कह देते हैं और लूपिंग भी कह देते हैं। ये लूप है, इसमें वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं जो कंप्यूटर पुनरावर्ती रूप से उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब उन सेम प्रोसेसेस का रिपीटेशन होता रहेगा, एक लूप में ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि कंडीशन हमने जो दे रखी है वो ट्रू होगी। कंडीशन हमने दे रखी है कि आई की वैल्यू 10 के इक्वल या इससे कम होनी चाहिए। इस तरह की रिपीटेशन को हम काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन या डेफिनेट रिपीटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें पहले से पता होता है कि कितने बार लूप चलेगा, लूप चल एग्जीक्यूट कितनी बार होगा या कितने टाइम लूप में ये रिपीटेशन होता रहेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल लिया है आई, जिसको यहाँ आई के रूप में डिक्लेयर किया है और उस पर हमने कंडीशन लगाई है। ये कंट्रोल वेरिएबल पे इसकी कंडीशन के अनुसार डिसाइड होगा ये लूप कितनी बार चलेगा, और ये कंडीशन फुलफिल करे इसके लिए आई की वैल्यू का चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको इनिशियलाइज आई इक्वल टू 1 किया। यदि आई की वैल्यू 1 ही रही तो ये कंडीशन इनफिनाइट टाइम के लिए ट्रू रहेगी। तो इसके लिए हम एक इंक्रीमेंट डाल देते हैं जिसमें आई की वैल्यू चेंज होती रहती है, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डालते हैं। वर्ड प्रेजेंट जो कंडीशन है उसके लिए हमें इंक्रीमेंट डालना ज़रूरी है, यदि ये कंडीशन ग्रेटर देन की होती तो हम यहाँ डिक्रीमेंट डालते। और जब लूप ख़त्म हो जाता है, लूप पूरा हो जाता है, लूप कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसके बाद प्रोग्राम में इस लूप के बाद में क्या एग्जीक्यूशन के लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वो काम होने लग जाता है। मतलब लूप पूरा होते ही, लूप की कंडीशन नो होते ही प्रोग्राम पूरा नहीं होता है, प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद में क्या स्टेटमेंट लिखा है, जो रिपीटेशन का जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, उसकी बॉडी ख़त्म होने के बाद में जो सेंटेंस लिखे हैं उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक प्रिंट टाइप स्टेटमेंट दिया है जो आउटपुट में व्हाइल लूप इज ओवर प्रिंट करेगा। इसको हम कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो
एक प्रोग्राम लेते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो हम अभी देख रहे थे। इसमें एक एडर फाइल इंक्लूड किया, स्टैंडर्ड इनपुट पर आउटपुट, बाद में मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जिसमें एन जीरो आई और एन को डिक्लेयर किया है, आई को ए वन से इनिशियलाइज किया है, एन जीरो को रीड किया है। व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है जिसमें आई पे कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 10, एन इक्वल टू आई टाइम्स एन नोट कर दिया है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया और एन को प्रिंट कर दिया। लूप जब ख़त्म होता है वहाँ पर व्हाइल लूप इज ओवर प्रिंट कर दिया। इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन के लिए कमांड है लिनक्स में gcc -o फाइल नेम स्पेस फाइल नेम डॉट सी। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। रन किया, रन करने पर ये कह रहा है इंटीजर दो, हमने कोई इंटीजर दे दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 दे दिया, तो इसने 7 का पहाड़ा लिख दिया, 7, 14, 7, 3, 21, 7, 4, 28 and so on 70 तक इसने लिख दिया। हम इसको दोबारा रन करते हैं, कोई और इंटीजर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 28 दे दिया, तो इसने 28 का टेबल प्रिंट कर दिया। एंड में ये व्हाइल लूप इज ओवर भी प्रिंट कर रहा है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप देखते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम लिया है। ये प्रोग्राम यहाँ पर जो कंडीशन को हम देखें, खासकर लूपिंग वाली कंडीशन को देखें, तो यहाँ लूपिंग थोड़ी डिफरेंट है। पिछले प्रोग्राम में यहाँ काउंटर कंट्रोल्ड लूपिंग थी, मतलब हमें पहले से पता था कितनी बार लूपिंग होगी, कितनी बार ये पुनरावर्ती होगी। जो कंडीशन दी थी उसमें हमने आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा था, मतलब हमें पता था 10 टाइम्स रिपीटेशन होगा। यहाँ 10 टाइम्स रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनडेफिनेट टाइम्स रिपीटेशन है। जो इसको रन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो इसको कब कंप्लीट करेगा, और इसीलिए इसको सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन या इनडेफिनेट रिपीटेशन भी कहते हैं। अनिश्चित पुनरावृत्ति या सेंटिनल कंट्रोल्ड पुनरावृत्ति, इसमें हमें पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर तो लूप कितनी बार चलेगा कैसे डिसाइड होगा कि अब लूप को बंद करना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हम एक डाटा एंटर करते हैं। जब यूजर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, उस समय एक डाटा एंटर करता है। उस डाटा को हम ग्रेड नाम के वेरिएबल में रीड कर रहे हैं और फिर उस ग्रेड पे कंडीशन लगाई है। ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप रिपीटेशन बंद हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन हम डाल रहे हैं इसमें, ये कंडीशन जब एंड होगी उसको हम एंड ऑफ डाटा भी कहते हैं। मतलब अपना डाटा यहाँ एंड हो गया है, जो डाटा दे रहे हैं वो अब हम बंद कर चुके हैं। अब इस तरह की कंडीशन के लिए ये कंडीशन वाला डाटा कुछ इस तरह का होना चाहिए जो नॉर्मल रियल डाटा में नहीं है। यहाँ जो एग्जांपल लिया उसमें ग्रेड कुछ इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ग्रेड के रूप में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। यदि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आए वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमने कंडीशन में डाल दिया एक नेगेटिव नंबर लेके कि ग्रेड नॉट इक्वल टू -1। मतलब जब तक पॉजिटिव नंबर मिलते रहेंगे तब तक ग्रेड -1 नहीं होगी, और जब मुझे मेरी एंट्रीज ख़त्म हो जाएंगी, मेरा डाटा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसको -1 दे दूंगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम का नहीं लूप का एंड हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो ये है प्रोग्राम, इसमें एडर फाइल इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन में कुछ डिक्लेरेशन है, काउंटर डिक्लेयर किया अनसाइंड इंटीजर के रूप में, ग्रेड और टोटल को इंटीजर के रूप में, एवरेज को रियल नंबर के रूप में डिक्लेयर किया है, टोटल एंड काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। बाद में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ग्रेड को रीड किया, ग्रेड पे कंडीशन लगा दी, व्हाइल और लूप स्टार्ट कर दिया, बाद में टोटल में ग्रेड को ऐड कर दिया, काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी, बाद में नेक्स्ट ग्रेड रीड कर ली है,
और लूप जब बंद हो जाए उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काउंटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें इफ लगा रहे हैं। हम ऊपर प्रोग्राम में देखें तो काउंटर को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया था और काउंटर की वैल्यू लूप के अंदर वन इंक्रीज कर रहे हैं। यदि हम काउंटर के अंदर वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो काउंटर की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये लूप के अंदर एक बार भी नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ में कंडीशन अन्यथा फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि लूप एक बार भी चला है तो काउंटर की वैल्यू वन हो चुकी है। इस तरह से इफ स्टेटमेंट है उसमें काउंटर की वैल्यू जीरो नहीं होने पर ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, एवरेज टोटल अपॉन काउंटर, काउंटर काउंट कर रहा है कि कितनी बार लूप चला है, तो टोटल में काउंटर का भाग देने पर हमें एवरेज मिल जाएगा। फिर ये फ्लोट क्या लिखा है, तो एक इंटीजर में इंटीजर का भाग देने पर हमें इंटीजर पार्ट मिलेगा, इसलिए। लेकिन एवरेज तो इंटीजर हो जरूरी नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल की फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, टोटल की जो वैल्यू है उसको फ्लोट नंबर, रियल नंबर के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, जिससे उसमें काउंटर का भाग देने पर भी वो रियल नंबर ही रहेगा और एवरेज है वो एक रियल नंबर होगा। उस एवरेज को हम प्रिंट कर देते हैं। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम प्रिंट कर देते हैं नो ग्रेड्स वर एंटर्ड। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर, रन किया और ग्रेड दे देते हैं -1। हम -1 देते हैं तो जैसा प्रोग्राम में दिख रहा था नो ग्रेड्स वर एंटर्ड प्रिंट हो गया। हम कुछ और देते हैं, इनपुट में 10 दे देते हैं और बाद में -1। 10 का एक नंबर है उसका एवरेज वो खुद ही रहेगा। हम ज़्यादा नंबर दे के देखते हैं, 10, 20, 30, -1 एवरेज, ये भी ठीक आ रहा है। फिर से रन करके देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 93, 92, 84, 36, 39, 56, 75, 83, 84, 28, 73 एंड सो ऑन। कितनी भी दे सकते हैं, अब एंड करते हैं। ये एवरेज आ गया 61.33। तो इसने सब नंबर्स को ऐड किया है, कितने नंबर्स हो गए उनका भाग दिया है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये डेफिनेट लूप नहीं है, इनडेफिनेट लूप है। हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है कि ये कितनी बार चलेगा।